लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आप लगातार हमारी क्लास को देख रहे हैं और अब जबकि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा इस बात का बार बार डिक्लेरेशन किया जा चुका है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत ही शीघ्र 15 सितंबर के आसपास विज्ञापित कर दी जाएगी, तब आवश्यक हो गया है कि आप और भी तेज़ी के साथ लग करके परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि ये कोरोना काल जैसे ही ख़त्म होता है ना, आपका एग्ज़ाम बहुत तेज़ी के साथ होगा। इसलिए संभावना इसकी है कि एग्ज़ाम आपका शीघ्रातिशीघ्र हो। उसी क्रम में जो विद्यार्थी हमारे क्लास के हैं और जो विद्यार्थी क्लास में अभी नहीं हैं, उन सब के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिसमें दो और बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक बात है कि आप अगर यूपी टीजीटी की तैयारी में राजनीति विज्ञान या यूपी पीजीटी की तैयारी में राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कुछ चीज़ों को आप समझ लें। पहली बात इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि आप इसके पाठ्यक्रम देख लें, आप पाठ्यक्रम के साथ साथ विगत वर्षों के आए हुए सवालों को देखने का आप प्रयास करें, आपको समझ में आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि सवाल सरल होगा या सवाल केवल तथ्यात्मक होगा, तो आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि आपने इस बात को सुना होगा कि टीजीटी में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें साक्षात्कार को ख़त्म कर दिया गया है। अब उसमें साक्षात्कार नहीं होगा, केवल प्रवक्ता के लिए ही साक्षात्कार होगा। टीजीटी में साक्षात्कार को ख़त्म कर देने के बाद ना इसके सवाल का नेचर थोड़ा सा हाई हो जाएगा और वो सवालों का स्तर थोड़ा अवधारणात्मक हो जाएगा। इसलिए अगर आप खाली तथ्यात्मक अध्ययन करके अभी तक तैयारी कर रहे थे, तो तथ्यात्मक अध्ययन से ऊपर उठ करके और ज़्यादा अवधारणात्मक अध्ययन पर आप ध्यान देवें। हम लोग वैसे आपने पढ़ा है क्लास में तो आपने देखा होगा कि हम लोग अवधारणात्मक अध्ययन के साथ ही किसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। अवधारणात्मक अध्ययन का अर्थ यह है कि किसी भी घटनाक्रम के समझने के लिए, किसी भी चिंतक को समझने के लिए, किसी भी घटनाक्रम को या किसी भी घटनाक्रम को समझने के लिए चिंतक को एक दूसरे के साथ रिलेट करके अगर आप उस चीज़ को आप पढ़ते हैं, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। टीजीटी यूपी टीजीटी स्पेशल के अंतर्गत अगर बात करें राजनीति विज्ञान की, तो राजनीति विज्ञान में यूपी टीजीटी के अंतर्गत आपको जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, वह पाठ्यक्रम पहला है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वह है पहला पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, और दूसरा है भारतीय राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के और भारतीय राजनीतिक विचारक, ये थिंकर्स के अंतर्गत आपको रखा गया है। ना राजनीति विज्ञान का अगर कंक्रीट अध्ययन उसका आधारभूत समझ आप पैदा करना चाहते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को समझने के लिए इसको दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्लेटो टू मार्क्स और दूसरा रिसेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसको समकालीन उदारवादी विचारक और समकालीन मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है, जिसमें आपको मैकफर्सन का, रॉबर्ट नोजिक का, एफ ए हायेक का, जॉन रॉल्स का, आपको हन्ना अरेंट का, ग्राम्सी का, बर्नस्टीन का अध्ययन करना है, एरिक फॉर्म का। लेकिन ये सारा जो समकालीन विचारक है, ये टीजीटी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित ना होकर के ये केवल पीजीटी के पाठ्यक्रम में आता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट और जेआरएफ के राजनीति विज्ञान के क्लास में
ये पढ़ाया भी जाएगा और ये उसी का पाठ्यक्रम का आपका हिस्सा भी है और उस पर आधारित बहुत से सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसलिए पीजीटी का पाठ्यक्रम थोड़ा पीजीटी की तुलना में कम है और पीजीटी का पाठ्यक्रम यूजीसी से थोड़ा सा कम है। यूजीसी का पाठ्यक्रम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम का जो पाठ्यक्रम है वो सामान्यतः सिमिलर है। तो हम लोग अपने क्लास के अंतर्गत पीजीटी का नेट जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बैच जो है अलग से चला रहे हैं और टीजीटी स्पेशल के लिए जो क्लास हम लोगों का चल रहा है उसमें आपका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में आपको प्लेटो टू मार्क्स, प्लेटो से लेकर के कार्ल मार्क्स तक का आपको अध्ययन करना है। यूनानी राजनीतिक चिंतक का भी अध्ययन करना है, मध्यकालीन राजनीतिक विचारक का अध्ययन करना है और आधुनिक राजनीतिक विचारक का भी अध्ययन करना है। अगर आपने थिंकर्स का अध्ययन कर लिया, विचारकों को आपने पढ़ लिया, तो इनके विचार के आधार पर ही राजनीति शास्त्र के सिद्धांत का निर्माण हुआ है। उदाहरण के रूप में अगर आपको प्लेटो अरस्तु मालूम है तो आदर्शवाद मालूम होगा और अगर आपको आदर्शवाद मालूम है तो आपको नैतिक अधिकार, नैतिक स्वतंत्रता, आंतरिक व्यक्तित्व भी मालूम होगा। तो समस्त अवधारणाएँ क्रमशः एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इसको इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। अंतर विषय दृष्टिकोण के माध्यम से आप संपूर्ण विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। प्लेटो टू मार्क्स के अंतर्गत हम लोग इस बात को देखेंगे और देखेंगे कि क्रमशः एक चिंतक के बाद दूसरा चिंतक किस प्रकार से अपनी विचारधारा को बदल देता है और बदलने के पीछे का कारण क्या है। अगर इस बात को आप समझ लेते हैं तो आपको विषय वस्तु कभी भूलेगा ही नहीं और अगर विषय वस्तु को आपने केवल तथ्यात्मक आधार पर रटने का प्रयास किया तो आप अवश्य ही भूल जाएंगे और आपके सवाल सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप में सही हो इसके लिए आवश्यक है कि तथ्यात्मकता को अध्ययन करने के साथ साथ आप अवधारणात्मक अध्ययन पर अधिक बल दें। भारतीय राजनीतिक विचारक को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत एक प्राचीन भारतीय चिंतक और दूसरा आधुनिक भारतीय चिंतक। आधुनिक भारतीय चिंतक जितने भी हैं उनका राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और भारत के राष्ट्रवाद के विकास, सामाजिक धार्मिक मूवमेंट में उनकी क्या भूमिका है, इसके आधार पर सवाल पूछा जाता है। यानी आप समझिए कि अगर आपको इस बात को पढ़ना है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतक ना बाल गंगाधर तिलक का, दादा भाई नौरोजी जी का, मानवेंद्र नाथ राय का, जयप्रकाश नारायण का, जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का या महात्मा गांधी के राजनीतिक चिंतक क्या हैं, तो आपको संपूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य को भी समझना होगा ताकि इनके द्वारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जिस भूमिका का निर्वहन किया गया उसी के आधार पर किस प्रकार से इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया आपको समझ में आ सके। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं क्योंकि टीजीटी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में चार विषयों के में दो विषय, किसी दो विषय के साथ आपको एग्ज़ाम देना होता है। आप राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र में से किसी भी दो विषय को ले सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि वह दोनों विषय आप बीए या स्नातक में रहा ही हो, अगर नहीं भी है तो भी आप ले सकते हैं। दो का होना आवश्यक है 2 वर्ष तक के लिए ना, अगर बीए प्रथम और बीए द्वितीय वर्ष तक आप का 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय रहा है तो आप टीजीटी के एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। और अगर आपने इतिहास को लिया है तो इतिहास में जिस मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं ना, उस मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी आधुनिक भारतीय चिंतक के साथ कहीं ना कहीं से मेल खाता है। और हम लोग अपने अध्ययन में इस बात का प्रयास भी करेंगे कि 1857 से के राष्ट्रीय विद्रोह से लेकर के 1947 तक के इतिहास में जितने भी भारतीय राजनीतिक चिंतकों की भूमिका अग्रणी रही
उनके द्वारा किस प्रकार से आपने राजनीतिक चिंतन और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रभावित किया गया, इस पर आधारित सवाल आता है, क्योंकि आप मूलतः भारतीय चिंतकों के द्वारा किसी भी क्रमबद्ध राजनीति विज्ञान का प्रतिपादन नहीं किया गया। तो एक पहला सेक्शन है टीजीटी स्पेशल के लिए, जिसमें आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स और इंडियन पॉलिटिकल थाट्स, और दूसरा सेक्शन इसके अंतर्गत आता है पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति शास्त्र का, और राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत। राजनीति शास्त्र के सिद्धांत में आपको देखना है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, ये इसकी परिभाषा क्या है, इसके अध्ययन की पद्धति और उपागम क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, ना अपरंपरागत दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किस प्रकार से करते हैं और आधुनिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से करते हैं, राज संप्रभुता स्वतंत्रता समानता न्याय अधिकार, उसके बाद महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, ना लोकतंत्र राजनीतिक दल दबाव समूह, ये सब पाठ इसके अंतर्गत आपको आता है राजनीति शास्त्र का सिद्धांत। और तीसरे पार्ट के अंतर्गत टीजीटी स्पेशल में रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान, ना कमो इस करना 20-20 सवालों का अधिक एक आध सवाल ना तीनों पार्ट से आपको पूछे जाते हैं, ना ये एक दो और ये तीन पार्ट टीजीटी स्पेशल के पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित किया गया है, और तीनों पार्ट से संबंधित सवाल आते हैं। दो विषयों में ना 62 सवाल राजनीति विज्ञान का और 62 सवाल आपके द्वारा ले गए किसी दूसरे विषय से आता है। एक प्रश्न कॉमन होता है और वह कॉमन सवाल में से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लगभग ये तीनों पार्ट से आप अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि इन तीनों पार्ट से ना 20-20 के आसपास सवाल आपको पूछा जाता है, कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी संविधान से ज़्यादा पूछ लिया, कभी थ्योरी से और कभी थिंकर से आपको पूछ लिया। इसके अलावा कुछ बातें इसमें सम्मिलित की गई हैं आपके पाठ्यक्रम टीजीटी के अंतर्गत, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ और उसका अंग तथा अन्य कुछ संगठन और उनकी गतिविधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। बहुत सामान्य रूप में इस पर आधारित ये सवाल आपको पूछा जाता है टीजीटी के पाठ्यक्रम का यह हिस्सा है। आप इसका अध्ययन करने के लिए जिस किताब के अगर आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा कि सर कौन सी किताब को पढ़ें, ना किताब वैसे लेने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती है खास करके टीजीटी के लिए, क्योंकि आप इसमें प्रीवियस ईयर के सवाल और इस पूरे पाठ्यक्रम का हम लोग बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इस पर कोई किताब लेना है तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पर बहुत ही सामान्य एक पुस्तक है जीवन मेहता की, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास जीवन मेहता, आप इस किताब को ले सकते हैं। पुखराज जैन की भी किताब आप ले सकते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पर, राजनीति शास्त्र के सिद्धांत पर आप किताब ओपी गावा की ले लीजिए, ये किताब अच्छी है, इस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। भारत का संविधान में एम लक्ष्मीकांत की किताब आप पढ़ सकते हैं, या किसी ब्रज किशोर शर्मा की, बहुत सारी किताबें। किताबों का तात्पर्य है कि कोई भी एक किताब आप पढ़ें जिससे पढ़ने से प्रीवियस ईयर के सवालों को लगाने में आपको सुविधा रहे, तो आप इन तीन पाठ्यक्रमों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए ये तीन पाठ्यक्रम के अलावा ये पीजीटी का अगर पाठ्यक्रम देखें या असिस्टेंट प्रोफेसर का आप पाठ्यक्रम देखें तो उसके सवाल ना टीजीटी के सवालों की तुलना में और अधिक कठिन आते हैं, अवधारणात्मक आते हैं, और ये सवाल आपको इस प्रकार से आता है कि जांचने परखने की कोशिश की जाती है कि आपको विषय वस्तु का गहराई के साथ ज्ञान है या गहराई के साथ ज्ञान नहीं है, इस बात को जांचने के लिए इसमें सवाल आते हैं। और तीन पाठ्यक्रम, इन तीन जो पाठ्यक्रम अभी आपने देखा वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स के अलावा ना प्लेटो टू मार्स के बाद
इसका पाठ्यक्रम है समकालीन उदारवादी चिंतक, समकालीन मार्क्सवादी चिंतक, समकालीन राजनीति विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं, पर्यावरण है, लिंग समानता है, वैश्वीकरण है, बाधारवाद है, बहुत सारा पाठ्यक्रम इसका हिस्सा है। और यही पाठ्यक्रम नेट JRF का भी है और यही पाठ्यक्रम असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है। इसलिए इस पाठ्यक्रम को भलीभांति समझने के लिए आपको 3 अन्य महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ना पड़ेगा, और वो 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं आज जिसको आपको देखना है, लोक प्रशासन, अगला है तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, और इसके अलावा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। देखिए इन तीनों ही पार्ट से 20-20 सवाल के आसपास आपको पूछा जाता है, और ये तीनों पार्ट ही नेट JRF के लिए या प्रवक्ता के एग्ज़ाम को पास करने के लिए आवश्यक है ना। ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत और भारत का संविधान एक कॉमन सेक्शन है जो TGT और PGT में असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट JRF में सम्मिलित है। लेकिन ये 3 सेक्शन ऐसा है जो कि केवल नेट JRF, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर में ही आता है, और तीनों पाठ्यक्रमों का विस्तृत अध्ययन आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसलिए इन तीनों पाठ्यक्रमों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप इसमें लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए अवस्थी माहेश्वरी की किताब ले लीजिए, अवस्थी एवं माहेश्वरी की किताब ले लें, लोक प्रशासन का सिद्धांत एवं व्यवहार, लोक प्रशासन का सिद्धांत एवं व्यवहार, अवस्थी माहेश्वरी की किताब ले लें, और प्रीवियस ईयर के सवालों को आप अध्ययन करना शुरू करें ना। जो सवाल IAS प्रीलिम्स में कभी पूछा जाता था वे सवाल वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, इसलिए उन सवालों को भी अगर आपको कहीं से पेपर मिलता है तो आप उसका अध्ययन करने का प्रयास करें। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में CB गेना या JC जौहरी, CB गेना या JC जौहरी की किताब आप पढ़ लें ना। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान राजनीति शास्त्र को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है। अत्यंत आवश्यक इसलिए हो गया है क्योंकि उपनिवेशवाद के समाप्त होने पर साम्राज्यवाद के खात्मा के बाद इस बात पर बल दिया जाने लगा कि अब राजनीति विज्ञान केवल विकसित देशों की शासन प्रणालियों का ही अध्ययन न होकर के विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो विकासशील देशों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाएगा इस बात पर इसके अंतर्गत बल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अबेल फोलिया की किताब है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, अबेल फोलिया, इस किताब को आप ले लें। इसमें दोनों पार्ट आपको दिया है, सिद्धांत और व्यवहार। सिद्धांत और व्यवहार का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत आपको कुछ थ्योरियां पढ़ना है, जैसे यथार्थवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, निर्णय निर्माण का सिद्धांत क्या होता है, पावर ऑफ बैलेंस क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या है, और उन सारे सिद्धांतों को अनेक विचारकों के द्वारा किस प्रकार से अपने विचारों का प्रतिपादन किया गया, इसकी बात इसमें पहले पार्ट में दिया हुआ है। जबकि दूसरे पार्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है आप भारत की विदेश नीति, पड़ोसी और महाशक्तियों के साथ संबंध, वैश्वीकरण बाजारवाद के रेफरेंस में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के में भारत की भूमिका, और अन्य महाशक्तियों के साथ इसके संबंधों का मूल्यांकन आपको करना है। तो ये पाठ्यक्रम पूरा आपको राजनीति विज्ञान का रखा गया है जिसका अध्ययन करना है। चलिए हम लोगों ने आज अपने इस क्लास में देखा है कि TGT और PGT का जो नया विज्ञापन होने वाला है उसका महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है, और उस पाठ्यक्रम के लिए हम किस किताब का अध्ययन करें।
और कैसे अपने अध्ययन को में तेजी लाएं, इस बात का हम लोगों ने आज अध्ययन किया। अपने रेगुलर क्लास में हम लोग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।